जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जी। आज का जो मेरा वीडियो है दिल्ली पुलिस SCM की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई है 16 जून 2022 आप लोग की यहाँ पे लास्ट डेट है। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो दिल्ली पुलिस SCM से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। चाहे आप लोग के रिटन एग्जाम की कैसे आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, फिजिकल टाइपिंग, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट और मेडिकल, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए इसमें जो आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है वो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जो कि आप लोग को SSC के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का फिजिकल यानी कि PEMT यहाँ पे होने वाला है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग की टाइपिंग की बारी आएगी, ये भी आप लोग की दिल्ली पुलिस के द्वारा ली जाएगी। और इसके बाद आप लोग का जो है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही लिया जाएगा। फिर उसके बाद मेडिकल की बारी आएगी, ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही लिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग की फाइनल मेरिट फाइनल आप लोग की लिस्ट निकलेगी, ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही निकाली जाएगी। और उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, वो भी आप लोग की दिल्ली पुलिस के अंदर ही होगी। तो ये है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं जैसा कि SSC ने डिक्लेयर किया है, सितंबर माह की जानकारी दी है। तो यदि आप लोग प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लगिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए जल्द से जल्द। यदि आप लोग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, मेहनत आप लोग को करनी पड़ेगी और अभी से आप लोग को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, समय बहुत ही कम है। जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हैं कीजिए। और रिटन एग्जाम के लिए यदि कोई बुक परचेज आप लोगों ने नहीं करी है तो मार्केट में आप लोग की बुक आई हुई है चक्षु प्रकाशन की, आप लोग परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आप लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले, पूरा सिलेबस गाइड परचेज कीजिए। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आप लोग परचेज कीजिए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन आप लोग मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो बुक परचेज कीजिए और प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए। आज जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। कई बच्चों के क्वेश्चन आए थे सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, ठीक है, प्रॉपर जानकारी नहीं दी हो कहीं पे, इस प्रकार से आप लोग डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो स्टूडेंट परेशान थे कि सर फॉर्म अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए ताकि हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, डॉक्यूमेंट जो आप लोग का होने वाला है वो कब आप लोग को लेके जाना है। रिटन एग्जाम के समय आप लोग को डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। रिटन एग्जाम आप लोग जब क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए यानी कि PEMT के लिए। 20 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, सभी कैटेगरी से 20-20 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ठीक है, सभी कैटेगरी से बच्चे होंगे। दिल्ली पुलिस फिजिकल लेगी और दिल्ली के 3 सेंटरों पर आप लोग को जो है ये फिजिकल होने वाला है, इसकी जानकारी भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई। डॉक्यूमेंट्स आप लोग के फिजिकल के समय ही लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों ही लेके जाएंगे और फोटोकॉपी आप लोग की जो सेल्फ अटेस्टेड होने वाली। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इंपॉर्टेंट है ये आप लोग पता होना चाहिए, पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप लोग सभी लेके जाएंगे, लेकिन यदि कोई डॉक्यूमेंट बाई चांस छूट जाता है, कोई डॉक्यूमेंट यदि कोई रह जाता है तो दिल्ली पुलिस के द्वारा आप लोग को 5 दिन का समय दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई आप लोग किसी प्रकार की हेल्प की आप लोग को जरूरत ना हो, आगे क्या हो कोई नहीं जानता। तो आप लोग सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो है आप लोग का SC ST OBC EWS। सबसे पहले मैं SC ST OBC और EWS के बारे में बता देता हूँ। SC ST OBC जो ये आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट का होता है, ठीक है, सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग का होना चाहिए। OBC जो है OBC को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, SC ST को लेके कोई दिक्कत नहीं, OBC को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि OBC जो है आप लोग का स्टेट का होता है, सेंट्रल का अलग होता है। इसके अलावा आप लोग का OBC क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और OBC आप लोग का सेंट्रल लिस्ट में है, दिल्ली के लिस्ट में है, इसको लेके प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। कैटेगरी के सर्टिफिकेट आप लोग रखेंगे, SC ST से है तो आप लोग रख लेंगे, लेकिन OBC से हैं तो आप लोग, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट आप लोग का सेंट्रल लिस्ट में, आप लोग की जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रल फॉर्मेट का आप लोग का OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर यदि आप लोग दिल्ली से हैं तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली NCT द्वारा जो आप लोग को OBC सर्टिफिकेट इशू किया गया है ये आप लोग का वैलिड माना जाएगा और आप लोग को बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप लोग का OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पे होना चाहिए।
तो ये ओबीसी वालों का हो गया, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी। इसी प्रकार से आप लोग का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये जो सर्टिफिकेट है इसका क्रूशियल डेट क्या रखा गया, यानी कब किस डेट से पहले का आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उससे पहले का आप लोग का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्रूशियल डेट आप लोग की फिजिकल की डेट यहाँ पे रखी गई है, तो फिजिकल की डेट से पहले का आप लोग का सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग का है टेंथ एंड ट्वेल्थ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट सर्टिफिकेट आप लोग जरूर रख लेंगे, दोनों रख लेंगे, एक रख लेंगे, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो आप लोग वो रख लेंगे। इसके अलावा आप लोग का जो है वो है एनसीसी सर्टिफिकेट। जी हाँ, यदि आप लोग एनसीसी से आते हैं तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट रखना होगा, यदि आप लोग उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। जी हाँ, एनसीसी वालों को एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोग का जो है, यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट और एनसीसी का जो आप लोग का यहाँ पे क्रूशियल डेट है वो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है, वो आप लोग की क्रूशियल डेट है, यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोग को फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट तक होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और क्रूशियल डेट आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है, इसका भी आप लोग को बेनिफिट मिलता है, मार्क्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट भी आप लोग को मिलता है। इसके अलावा हिल एरियाज से आप लोग आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना पड़ेगा, यदि आप लोग हाइट चेस्ट वगैरह में रिलीफ चाहते हैं तो हिल एरिया सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। गढ़वाली कुमाई और डोगरा मराठा और आप लोग को मैंने स्टेट वगैरह की जानकारी दी है, आप लोग मेरा फिजिकल वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोग को डिस्चार्ज बुक की कॉपी लेकर के जानी पड़ेगी, ठीक है, जो भी आप लोगों का डिस्चार्ज बुक होता है उसकी कॉपी लेकर जानी पड़ेगी। और यदि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को एनओसी यहां पे लेके जानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और स्पोर्ट्स से यदि आप लोग हैं तो आप लोग को स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल है वही आप लोग लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं जो सारी चीजें बता रहा हूँ आप लोग को सब कुछ लेके जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स जरूरी नहीं है, स्पोर्ट्स से आप लोग आते हैं तो स्पोर्ट्स ले लेंगे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो डिपार्टमेंट का ले लेंगे, एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग डिस्चार्ज बुक लेंगे, हिल एरिया से आते हैं तो आप लोग हिल एरिया लेंगे, ठीक है, जो एप्लीकेबल है वही आप लोग लेंगे। चलिए इसके बाद यदि आप लोग जो वार्ड सर्टिफिकेट आप लोग को इशू किया गया है, जो कि सन एंड डॉटर जो इशू किया गया, वार्ड जो होते हैं, ठीक है, वार्ड सन एंड डॉटर जो है दिल्ली पुलिस, तो उनको वार्ड सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो उनको लेके जाना पड़ेगा दिल्ली पुलिस वालों के लिए। चलिए इसके अलावा आप लोग जो है 4 से 5 फोटोग्राफ भी आप लोग वहां पे साथ में रख लेंगे ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो यही डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है, इसके अलावा कोई आप लोग को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाना है। तो जब आप लोग का मीन्स एंड्योरेंस टेस्ट आप लोग का हो जाएगा, रनिंग वगैरह लॉन्ग जंप हाई जंप हो जाएगी, उसके बाद जब लोग हाइट टेस्ट वगैरह की बारी आएगी तो आप लोग को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट आप लोग के पूरे हैं या नहीं है, और हाइट वगैरह में रिलीफ चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास वो हुआ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं, तो भी इस प्रकार से आप लोग के डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, उसके बाद ही आप लोग को जो है आगे का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो पाएगा। डॉक्यूमेंट आप लोग के नहीं होंगे, यानी कि जैसे कि आप लोग एस सी एस टी ओ बी सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग जनरल में काउंट हो जाएंगे, और जनरल में काउंट होने के लिए आप लोग की एज भी 18 से 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आप लोग सारे रख लेंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जानकारी लेकूँ यदि चैनल चैनल तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन में बटन को जरूर, ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। तो इसके अलावा भर्ती देखो पे जो आप लोग जाकर के दिल्ली पुलिस से रिलेटेड सिलेबस वगैरह की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी दे दूँगा, आप लोग डॉक्यूमेंट्स वहाँ से भी नोट कर लेंगे। थैंक यू, सी यू।